चलिए तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए एसेट्स। एसेट्स होते क्या हैं, टाइप ऑफ एसेट्स क्या हैं, और यहाँ पर मैं बात करूँगी टॉप इनकम जनरेटिंग एसेट्स। ठीक है, कुछ ऐसे एसेट्स जिनसे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी सीधी सी भाषा में बात करती हूँ तो एसेट्स होते हैं संपत्ति। ठीक है, एक ऐसी वैल्यूएबल थिंग जो कि आपके लिए क्रिएट करती है वेल्थ आपके फ्यूचर के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ जो आपके पॉकेट में पैसे को डालती है। ठीक है, तो एक तरह का इन्वेस्टमेंट आप मान के चलिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसके जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं टू। एक तो होता है इसका करंट और एक होता है नॉन करंट, या फिर नॉन करंट को हम बोल सकते हैं फिक्स्ड। ठीक है, तो जो करंट एसेट्स होते हैं वो होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म का मतलब है कि ऐसे एसेट्स को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन वन ईयर के अंदर। ठीक है, अब ऐसे कौन से एसेट्स होंगे जिन्हें आप वन ईयर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं आपके कैश में, जैसे आपका हो गया कैश डिपॉजिट्स हो गए, आपके कोई भी अकाउंट रिसीवेबल्स हो गया, कोई भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपने जो एक साल से कम के लिए किया हो। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन हो गए आपके। ठीक है, तो सिंपल सा समझ गए होंगे आप। अब वहीं पर जो नॉन करेंट एसेट्स होते हैं वो होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब आपने कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट किया हो जो लॉन्ग टर्म का हो, एक साल से ऊपर का, दो साल, चार साल, पाँच साल, दस साल। ठीक है, तो ये होते हैं, और इन्हें आप वन ईयर से पहले मतलब कैश में कन्वर्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन सी आता है, तो देखिए आपका रियल इस्टेट हो गया, और आपका लैंड बिल्डिंग्स हो गए, कोई भी इक्विपमेंट्स हो गया, ठीक है, फर्नीचर्स हो गए, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हैं जो कि मोर देन वन ईयर के बाद आपको रिटर्न देंगे, जैसे कि स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो गए, और कोई भी म्यूचुअल फंड्स हो गया। इसके अलावा इंटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं इनके अंदर, जैसे पेटेंट्स हो गया आपका, या फिर आपकी कॉपीराइट हो गए, या फिर आपने कोई भी वेबसाइट्स या डोमेन खरीदा है। ठीक है, तो ये सारे आपके आ जाते हैं फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। चलिए कुछ टॉप इनकम जनरेटिंग एसेट्स भी मैं आपको बता देती हूँ, तो जिनमें है आपका स्टॉक्स, रियल इस्टेट, सेल ई बुक्स, और कोई भी आपका ऑनलाइन बिजनेस हो गया, बॉन्ड्स हैं, वेबसाइट्स हो गई, आपने खुद वेबसाइट बनाई हो, इसके अलावा CDS यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसके अलावा फार्म लैंड भी एक अच्छा ऑप्शन है जो कि इनकम जनरेटिंग एसेट्स के अंदर आता है। ठीक है, ये था एक छोटा सा सिंपल सा वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर।